जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद हुए विधानसभा चुनाव की वोटिंग की काउंटिंग में 10,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग की काउंटिंग जारी है। सभी केंद्रों में 3-tier सुरक्षा है। जिला मुख्यालयों के अलावा प्रदेश की दोनों राजधानी शहरों जम्मू व श्रीनगर में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना की निगरानी के लिए 700 पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। कश्मीर में भी मतगणना केंद्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। केंद्र शासित प्रदेश के 20 जिलों की 90 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से जारी है। जम्मू और कश्मीर विधानसभा में उपराज्यपाल द्वारा नॉमिनेट 5 व्यक्तियों की गवर्नमेंट फॉर्मेशन में अहम भूमिका होगी। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने सरकार गठन से पहले इन 5 सदस्यों की नामजदगी का विरोध किया है और सुप्रीम कोर्ट में जाने की धमकी दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। ये सरकार के गठन का मामला है और ये सरकार का अधिकार है कि वो लोगों को नॉमिनेट करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इंजीनियर रशीद की सरकार गठन में देरी की सलाह को लेकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं, जो जम्मू और कश्मीर में केंद्र शासन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये आदमी 24 घंटे के लिए दिल्ली जाता है और वापस आकर बीजेपी के हाथों में खेल जाता है। अगर बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्मेशन की स्थिति में नहीं है तो वो जम्मू कश्मीर में केंद्रीय शासन को बढ़ाने में किसी भी चीज को पसंद करेगी। पाकिस्तान की अदियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान 18 अक्टूबर तक किसी से नहीं मिल पाएंगे। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन को लेकर ये बैन लगाया है। इस दौरान इमरान खान ना तो अपनी पत्नी से मिल पाएंगे और ना ही वकीलों से या पार्टी नेताओं से मिल सकेंगे। इसे लेकर इमरान खान की पार्टी PTI जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसराइल और हमास के बीच मिसाइल हमलों के 1 साल पूरे हो गए हैं। इस बीच इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष और तेज हो गया है। दोनों के बीच गोलीबारी और मिसाइल हमले हो रहे हैं। गाजा में भी जंग जारी है। इससे मध्य पूर्व एशिया में तनाव और बढ़ गया है। वहीं ईरान ने इजरायली हमलों की आशंका के चलते ईरान की सभी हवाई अड्डों से उड़ानें रद्द कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वहीं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय मुद्रा विनियम समझौते और 360 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने के भारत सरकार के फैसले के लिए धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति मोइजू ने कहा कि ये मदद हमारे सामने मौजूदा विदेशी मुद्रा से जुड़े मुद्दों को हल करने में सहायक होगा।